चलिए आवाज आ रही है? यस यस सर। चलिए मैं, हाँ अच्छा, तू इन सब पूछ लेना, कल वास्तव में नहीं आना ना, पूछ के आइए ना। चलो बढ़िया है ना, क्या दिक्कत है? तो सबका हो गया है ना जो फिजिकल के, तो ना पास हो गया, तेरे दोस्त से पूछ ले कल नहीं आना ना पास। चलो चलिए भाई, मुझे लगता है कि काम में लगाए लेता हूँ। अब देखना बेटा, आवाज आ रही होगी? यस ठीक। यस सर, आ रही है। तो कल अपन बात कर रहे थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की यदि मैंने जितने भी प्रॉब्लम थी मैंने कल आपको करवा दी थी, तो कल बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स भी की थी अपन ने। अब एक दो बेसिक प्रॉब्लम कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि fx इक्वल टू साइन 3x, लेकिन उससे पहले साइन एक्स और कोस एक्स का करो पता है ना सभी को? यस सर। चलो एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x। अब यदि मैं इसका एफ डैश एक्स निकालू तो साइन 3x का हो गया 3 cos 3x। अब मेरे को 3 cos 3x आ गया, तो आप कोस का ओरिजिनल कर्व बना लो। तो कोस का ओरिजिनल कर्व कुछ इस तरह का बनता है। ये मैं कोस का ओरिजिनल कर्व बना रहा हूँ, ये कोस का ओरिजिनल कर्व बना रहा हूँ। यहाँ पर होता है 0 इस पॉइंट पर, लेकिन 0 क्या होता है? यदि मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस है तो माइनस करते हैं, माइनस है तो प्लस करते हैं। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है तो 0 को 3 से डिवाइड करो। यहाँ पाई बाय 2 होता है, पाई बाय 2 को 3 से डिवाइड करो। यहाँ 3π/2 होता है, इसको 3 से डिवाइड करो। और मुझे निकालना भी 0 से π/2 के बीच में, हमें ये निकालना है कि 0 से π/2 में कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देखो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो बेटा एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 इंक्लूड है टू अप टू पाई बाय 6। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 6 टू, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल होगी। तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम है जो पूछी जा सकती है। दो तीन ट्रिग्नोमेट्री वाली बता रहा हूँ जो बची हुई है हमारी। ऐसे ही हमारा आ गया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 2π। अगेन इसका निकालना है कि कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हम क्या करते हैं, इसका एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। कोसेक्स प्लस साइन एक्स,
रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। अब क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है तो साइन का फॉर्मूला बना सकते हैं साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो मुझे वन बाय रूट टू को मैंने लिख दिया साइन पाई बाय फोर प्लस कोस पाई बाय फोर। तो ये आ गया रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाय फोर या साइन पाई बाय फोर प्लस साइन पाई बाय फोर प्लस एक्स। अब मेरे को साइन पाई बाय फोर प्लस एक्स का कर्व बनाना है, तो साइन का ओरिजिनल कर्व बना लो पहले। ये साइन का ओरिजिनल कर्व बना लो, जीरो माइनस पाई बाय फोर माइनस पाई बाय फोर, यहाँ पाई होता है बेटा, पाई माइनस पाई बाय फोर थ्री पाई बाय फोर, चार चार का डिफरेंस आ रहा है सेवन पाई बाय फोर इलेवन पाई बाय फोर। मुझे चाहिए जीरो से टू पाई, तो बेटा जीरो यहाँ कहीं होगा और टू पाई यहाँ कहीं होगा, ये प्लस माइनस प्लस। तो बेटा यहां से पता लग रहा है कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन जीरो टू थ्री पाई बाय फोर यूनियन सेवन पाई बाय फोर टू टू पाई। ये तो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन। अब यदि मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करूं तो थ्री पाई बाय फोर से लेकर सेवन पाई बाय फोर, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन थ्री पाई बाय फोर टू सेवन पाई। ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल है। तो ये इस तरह से होगा। इसमें कोई डाउट किसी को दिया? यस नो सर। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम हो गया। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम बची हुई है वो करवा रहा हूँ, बाकी सब हो गया है आपका, कल करवा दिया था मैंने। और फिर मैं टेंजेंट नॉर्मल स्टार्ट करूंगा। भाई मैं 24 तक आपको जो भी आपके है, फिर उसके बाद डाउट क्लास के लिए जो आना चाहता है वो आ जाएंगे। मैं 24 तक आपको चीजें करवा रहा हूँ और एग्जाम टाइम पर जब एग्जाम होगा तब आ जाना। तीन दिन का गैप है ना? यस सर। बस ठीक है। हाँ दो दिन के। टाइमिंग क्या है? 10:30 से लेकर 11:30 से 1 o'clock। 11:30 से? हाँ तो वो तो हो ही गया, वो तो टाइम। चलो भाई इसके बाद देखो, यदि माइनस कोस एक्स की जगह प्लस कोस एक्स होता, यदि माइनस कोस एक्स की जगह प्लस कोस एक्स होता, तो एफ डैश एक्स हो गया साइन एक्स का कोस एक्स माइनस साइन एक्स। करना वही का वही काम है, रूट टू से मल्टीप्लाई डिवाइड, वन बाय रूट टू कोस एक्स माइनस वन बाय रूट टू साइन एक्स, कोस पाई बाय फोर कोस एक्स माइनस साइन पाई बाय फोर साइन एक्स। ये बन गया कोस एक्स प्लस पाई बाय फोर या पाई बाय फोर प्लस एक्स, कोस पाई बाय फोर प्लस एक्स। नौ कोस का कर्व बना लो, आ रहा हूं अगले पेज।
यहाँ पर जीरो है, जीरो माइनस फाइव बाई फोर, माइनस फाइव बाई फोर। हाँ सर सर, हाँ सिंपल सी बात है, वो नहीं आ रहा ना अच्छे से यार, मैं हटा दे, हाँ क्लास हटा दे। ये है आपका पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर, पाई बाय फोर ये आ गया फाइव पाई बाय फोर, और ये आ गया नाइन पाई बाय फोर। अब जीरो यहाँ कहीं बीच में आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। कोस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू रूट टू होगी, मिनिमम वैल्यू माइनस रूट टू, तो उससे तो अपन को कोई मतलब ही नहीं है ना, इसलिए सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन जीरो टू पाई बाय फोर यूनियन फाइव पाई बाय फोर से टू। Now fx is strictly decreasing on pi by 4 to 5 pi by 4. ये हमारा strictly increasing और strictly decreasing होगी। हाँ अरे अरे वो 2 pi तक ही तो जाएगा बेटा, 0 से 2 pi के बीच में है पर। हाँ वो बोला हुआ है, मैंने लिखा हुआ नहीं होगा लेकिन पहले वाले के बेसिस पे बोल दिया मैंने। Now fx equal to next problem sin x की पावर 4 प्लस cos x की पावर 2 और आपका x है 0 टू पाई बाय 2 के बीच, मुझे यहाँ इस इंटरवल में इसका निकालना है कि कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। नाउ एफ डैश एक्स 4 साइन क्यूब एक्स कोस एक्स माइनस 4 कोस क्यूब एक्स साइन एक्स, 4 साइन एक्स कोस एक्स कॉमन आ गया, तो अंदर बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर। अब देखो एक तो मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा और इसको 2 ऐसे लिखूंगा, माइनस कॉमन ले लिया 2 साइन एक्स कोस एक्स और ये आ गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। अब ये हो गया आपका साइन 2x और ये क्या हो गया कोस 2x, ये आ गया माइनस टू साइन टू एक्स कोस टू, कितना हो गया माइनस साइन फोर एक्स, अब माइनस साइन फोर एक्स हो गया। अब इसका करो साइन का करो बनाना, ये साइन का करो बनाना, जीरो पाई बाय फोर, फोर से डिवाइड कर रहे हैं पाई बाय टू प्लस माइनस, लेकिन यहाँ आगे क्या लग रहा है माइनस लग रहा है, तो या तो एक काम करो यदि ये आगे माइनस लग रहा है तो उल्टा भी कर सकते हो, ऊपर माइनस आएगा और नीचे प्लस आएगा, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है पाई बाय फोर से पाई बाय टू। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई बाय फोर टू पाई बाय और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन
जीरो टू पा दो जीरो टू पा दो इंक्लूड नहीं होगा बेटा दोनों एक्स एक्सेस को कट कर दो चलिए भैया आगे देखो ये तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हो गए भैया ठीक है इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई सा भी पूछ लेगा अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस हंड्रेड अब इसका मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालना है एफ डैश एक्स थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन हम देख रहे हैं कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना बेटा तो ये तो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर हो गया इंक्रीजिंग ऑन आर पूरे आर में इंक्रीजिंग होगा स्ट्रिक्टली तो नहीं बोलेंगे ओनली इंक्रीजिंग ऑन तो ये फंक्शन पूरा इंक्रीजिंग हो गया आर में और देखो एक प्रॉब्लम था आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन वन टू टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन इंक्रीजिंग ऑन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन वन टू तो ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी मिनिमम वैल्यू होगी कल हमने इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सारी की थी एफ डैश एक्स क्या हो गया टू एक्स प्लस ए नहीं इस टाइप की प्रॉब्लम कर ली थी अब देखो एक्स का वैल्यू आपका वन और टू के बीच में तो 2x का वैल्यू आ गया 2 और 4 के बीच आप एड ए कर दो ए एड कर दो समझो तो 2 प्लस ए 2x प्लस ए 4 प्लस तो 2 प्लस ए एफ डैश एक्स 4 प्लस ए फॉर द एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यार डी की जरूरत नहीं ना क्वाड्रेटिक तो आई नहीं रहा फॉर द एफ एक्स टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब टू प्लस ए इज ग्रेटर देन जीरो
तो ए का वैल्यू क्या होना चाहिए? माइनस टू। अब वो क्या है, ए इंक्लूड होगा, आप एक काम करो कि इसके बराबर भी हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्या होगी? माइनस टू। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए? माइनस टू। लीस्ट वैल्यू ऑफ ए माइनस टू, ऐसा है, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए माइनस टू। दिया है, ये आपका कंप्लीट हो गया क्या? इंक्रीजिंग डिफरेंस। अब मैं आ रहा हूं इसके बाद टेंजेंट नंबर। थ्योरी बताने की वापस जरूरत है कि अच्छे चलने दें आगे, क्वेश्चंस करें। अब देखो टेंजेंट नॉर्मल में आपको एक तो पॉइंट निकालना आना चाहिए, जैसे मैं इसका क्वेश्चन करता हूं। पहला प्रॉब्लम लिखो, द पॉइंट ऑन द कर्व y equal to x square minus 3x plus 2 where the tangent is perpendicular to line y equal to x, where tangent is perpendicular to line y equal to x. अब देखो एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स, टू एक्स माइनस थ्री, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एक्स माइनस थ्री, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया आपका, नहीं टेंजेंट ही तो है, नॉर्मल की तो जरूरत ही नहीं। व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन? वन। y इक्वल टू x है तो वन, y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप ऑफ लाइन वन। नाउ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन, so therefore 2x minus 3 multiplied by 1 equal to minus 1, so 2x minus 3 equal to minus 1, 2x equal to 2, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या आ गया भाई? 1 आ गया। अब x का वैल्यू 1 आ गया तो y का वैल्यू भी आ जाएगा। अब ये तो मेथड है बेटा करने का, और आपको बिना करे आंसर ये लगाना है तो वो भी बताऊंगा, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये तो मैंने सिर्फ मेथड बताया। जीरो, सो देयरफॉर पॉइंट इज 1, 0। अब आपने बोला सब बिना करे कैसे पता लगेगा, वो भी देख लो। ये बोल रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। पहला पॉइंट है 0, 2, ऑप्शंस देखो 0, 2, बिल्कुल जो सेटिस्फाई, जैसे 2 रखा 0 माइनस 0 प्लस 2 है 3, ऐसा भी होता है कभी कभी, ऐसा भी होता है कि आप दो वैल्यू आ जाए, 0, 2 भी आ रहा है आपका, मतलब ये आपका 2 सेटिस्फाई कर, बी ऑप्शन आपको गिवन है
वन कोमा जीरो जो भी सेटिस्फाई हो रहा है। देखो जीरो इक्वल टू वन माइनस थ्री प्लस टू, तो फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा। यस सर। और तरीका निकालें, एक मिनट के लिए। एक काम कर सकते हो, आपका जैसे 0.2 और 1.0 इन दोनों पे सेम आ रहा है, तो आप 0.2 इसमें रख के देखो स्लोप क्या आ रहा है। 1 टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा? 1, जबकि यहां क्या आ रहा है टेंजेंट का स्लोप? -1। ये गलत है, अब इतना सोचना पड़ेगा या तो आप पूरा करो। यदि दो, यदि एक ही आ रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही, और वैसे जनरली एक ही आता है, लेकिन कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम दे देते हैं कि जिसमें दो पॉइंट आ रहा है, एक एक आ रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आपको सोल्व करने की। हाँ नेक्स्ट, द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x वेयर टेंजेंट मैक्स degree angle with the x-axis. y square equal to x. अच्छा पॉइंट की बात कर रहा, वापस से देख लेते पॉइंट। पहला पॉइंट है 1/2, 1/4। 1/2, 1/4 क्या सेटिस्फाई कर रहा है? क्या नहीं कर रहा? x की वैल्यू 1/2 और इसका स्क्वायर करोगे 1/4 का 1। दूसरा पॉइंट है आपका 1/4, 1/2, ये कर रहा है सेटिस्फाई। देखते हैं 4.2 भी कर रहा है। डी 1.1 ये भी कर रहा है। चलो इसका मतलब निकालना ही पड़ेगा, इसका डिफरेंस करो इक्वल टू, तो dy/dx कितना हो गया भाई? अब बेटा 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बेटा जो इसका स्लोप होगा वो 10/45 हो जाएगा, तो स्लोप कितना आना चाहिए? मतलब 1/2y किसके इक्वल आ गया, तो y कितना आ गया? 1/2। तो ये आंसर कौन सा हो गया? ये ऑप्शन, तो आंसर इज क्लियर है? लिख लीजिए। नहीं, अच्छा दिन का हटा दिया। चलिए नेक्स्ट।
देखिए नेक्स्ट अब जैसे ये इस बार के सैंपल पेपर में भी है द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस वन टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स the value of m is y equal to mx plus 1 is tangent to the curve y square equal to 4x. अब इसमें क्या options का हम use करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा. a का value 1 है, b का value 2 है, c का value c option 3 है और d option 1 by 2. अब देखो इसमें क्या करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स टू वाई डिवाइड एक्स इक्वल टू तो डिवाइड एक्स इक्वल टू फोर अपॉन टू वन ये आ गया टू बाय वाई क्या आ गया टू बाय वाई. अब ये बोल रहा है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस वन इसका स्लोप क्या है m. अब यदि सपोज मैं m की वैल्यू वन रखता हूं फॉर एग्जाम्पल यदि y की वैल्यू 1 रखता हूं सपोज ए ऑप्शन सही है y इज इक्वल टू x प्लस 1 ठीक है तो बेटा आपका स्लोप 1 हो गया. इसका मतलब m क्या है स्लोप ही है इसका मतलब 2 बाय y किसके इक्वल हुआ तो y का वैल्यू कितना आ गया और y का वैल्यू 2 आ गया तो इसमें रखना उसमें मत रखना y का वैल्यू 2 आ गया तो x का वैल्यू 1 आ गया. अब रख के देखते हैं y का वैल्यू 2 x का वैल्यू 1 प्लस 1 1 प्लस 1 सेटिस्फाई कर रहा है. सही है इसका मतलब यही आंसर. क्या बोलोगे दूसरे क्यों गलत होंगे इधर देखो सपोज m इक्वल टू 2 ले रहे हैं इसका मतलब 2 बाय y इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू क्या आ गई. अब इसमें रखो x की वैल्यू 1 बाय 4 तो ये कितना हो गया 1 बाय 2 प्लस 1 3 बाय 2 जबकि y की वैल्यू 1 आ रही है ये गलत आ रहा है. इस तरह सब में गलत आएगा तो सही कब आएगा जब m इक्वल टू 1 आए. मेथड थोड़ा लेंदी है मेथड के लिए मैं बता दूंगा लेकिन मेथड लेंदी है मेथड कैसे करेंगे वो बताएंगे लेकिन ट्रिक यही लगाओगे और ये आपके इस बार के सैंपल पेपर में भी है तो इसका मतलब m का वैल्यू 1 होगा तब जाके ये सेटिस्फाई होगा. मेथड देखो मेथड क्या है एक्चुअल में y इक्वल टू mx प्लस 1 टेंजेंट तो ये y इसको सेटिस्फाई कर दो yes. yes. अब
गलत रख दिया क्या? अब क्योंकि देखो ये वाली लाइन ये कर्व है सपोज y स्क्वायर इक्वल टू 4 और ये लाइन इसको टच कर रही है, तो इसका मतलब d 0 होगा इसका, तो d 0 होगा तो b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 4 इज ये कंडीशन लगी है। या अब इसको सोल्व कर दो, तो 16 एम इक्वल टू 16 बोलो एम का वैल्यू क्या है, अब इतना करना पड़ेगा अब जगह है आया लिख लीजिए। ऐसा होगा। चलिए नेक्स्ट, द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पासिंग थ्रू पॉइंट 1,2 अब ऑप्शन है आपके एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, दूसरा ऑप्शन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, तीसरा ऑप्शन है आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 और चौथा ऑप्शन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। तो बेटा यदि ऐसा होगा तो मैं सोल्व करूंगा नहीं, आंसर यही है क्योंकि जो पॉइंट नॉर्मल कहां से पास हो रही है 1,2 से, और 1,2 सिर्फ किसको सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट वाले, बाकी किसी को नहीं कर रहा, इसलिए आंसर क्या हो गया 1,2। मेथड तो बता दूंगा लेकिन इसका ट्रिक ही है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऐसा है जैसे ये कर्व, ये इसकी टेंजेंट हो गई और यहां पर ये नॉर्मल हो गई, ये पॉइंट है एक्स कोमा वाई और ये नॉर्मल आगे जाके कहां से पास हो रहा है 1,2 से, ऐसा बोले तो देखो ये एक्स वन वाई वन माइनस, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो 2x इक्वल टू 4dy/dx, तो डीवाई बाई डी एक्स आ गया 2x/4 मतलब x/2, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपका x1/2। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया,
minus 2 by x. Slope of normal आ गया minus 2 by x. Also slope of normal. ये ले दो पॉइंट से पास हो रहा है. Also slope of normal. टू माइनस वाई अपॉन वन माइनस एक्स. अब ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे क्योंकि तो दोनों स्लोप ऑफ नॉर्मल. माइनस टू प्लस टू एक्स वन इक्वल टू टू एक्स वन माइनस एक्स वन वाई वन. तो एक्स वन वाई वन की वैल्यू टू आ गई. यहां से वाई वन की वैल्यू निकाल ये रख दिया मैंने. तो x1 क्यूब इक्वल टू 8 आ गया. तो x1 इक्वल टू 2 आ गया. अब x1 इक्वल टू 2 यार हुआ तो y1 इक्वल टू 1 आ गया. तो पॉइंट आ गया 2 कोमा 1. पॉइंट आ गया 2 कोमा 1. दिल्ली बंद होने वाला है. 2,